नमस्कार दोस्तों, यूएन क्रेडिट स्टूडियो में सबका स्वागत है। जैसे कि डायट टॉपिक पे चलते हैं, तापस रॉय मेरे व्यूअर है जिन्होंने बहुत बार मुझे पूछा कि एलिशियस माइक्रोवर्ब 4 के वक्त सर रिव्यू बनाइए, तो आज उनके लिए और मेरे तमाम जितने भी मिक्सर और जितने भी ऑडियो मास्टरिंग के बारे में जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं सबको बता देंगे एलिशियस माइक्रोवर्ब 4 के पूरा रिव्यू हम बनाएंगे। पूरा कैसे दिखता है, कैसे सेटिंग करेंगे, एक एक चीज एक एक नॉब पे बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। उससे पहले बता देंगे अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल के और दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो पहले बात करते हैं एलिशियस माइक्रोवर्ब 4 ये है क्या। ये एक प्रीसेट और प्रोग्रामेबल 18-bit सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो क्या है ये सेटिंग, तो हम लोग उसको देखेंगे क्या क्या सेटिंग है। तो पहले हम लोग बात देखते हैं इसका जो पिक्चर है। फ्रंट पैनल पे आप देख सकते हैं कि इनपुट है, उसके बाद मिक्स का एक नॉब है और उसके बाद आउटपुट का एक नॉब है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इनपुट के जो मीटर है, लेबल मीटर है, -32 dB, -12 dB, -6 dB, उसके बाद क्लिप। उसके बाद उसके सामने ये वाला डिस्प्ले है, डुअल चैनल पैरेलल प्रोसेसर यही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 to 99 प्रीसेट है और उसके बाद 100 to 199 यूजर है। ये स्टोर, एक स्विच है और एक बैंक मीडी है। तो क्या है मैं डिटेल बताऊंगा, थोड़ा आपको बस दिखा देता हूँ क्या है। उसके बाद ये है वैल्यू, जिसको वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। ये है एडिट 1, एडिट 2, ये क्या है, एडिटिंग कैसे करते हैं हम दिखाएंगे और आगे चलते हैं। देखिए ये वाला प्रोग्राम, तो यही है मेन चीज जो प्रोग्राम है। आप देख सकते हैं 00 से 09 अप टू 1990 से 99। ये एक्चुअली क्या है, इसके साथ ये सब प्रीसेट आया हुआ है। तो इसमें होता क्या है, देखिए ये सब इफेक्ट्स है, ये सब काम उसमें होता है। तो मेन चीज जो बोलते हैं हॉल इफेक्ट, हॉल रिवर्ब, रूम रिवर्ब, प्लेट रिवर्ब। और एक चीज है कि मैं हमने रिवर्ब के बारे में एक टॉपिक, हमने एक वीडियो हमारा है ऑलरेडी, तो क्या रिवर्ब है, कौन सा रिवर्ब किसके लिए यूज करेंगे, वोकल के लिए कौन सा रिवर्ब यूज करेंगे, वो आप इंस्ट्रूमेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट के लिए कौन सा रिवर्ब यूज करेंगे, वो सारी वीडियो, एक वीडियो हमारे ऑलरेडी है। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा टच करके निकल जाएंगे कि जो रिवर्ब है ये एक इको रिवर्ब, दोनों में आसपास सेम है, लेकिन हॉल रिवर्ब मतलब अगर बड़ा हॉल में कुछ कर रहे हैं तो हॉल रिवर्ब डालेंगे, रूम के अंदर अगर आपको रिवर्बरेशन चाहिए तो रूम में डालेंगे। प्लेट रिवर्ब वोकल के लिए बहुत अच्छी रहती है और ऐसे ही बहुत सारे कोरस है, डिले है और ये पिच शिफ्ट है, मल्टी इफेक्ट्स है, डुअल सेंड है। और ये जो एडिट ए, एडिट बी जो बटन हमने बता रहा था, तो एडिट ए मतलब अगर आप 00 से 09 का कोई प्रोग्राम सेट करते हैं डिस्प्ले पे और आपने हॉल इफेक्ट डाल दिया इसके अंदर, मतलब हॉल इफेक्ट 00 से 09 तक है। अगर आपको ये सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करेंगे आप थोड़ा बता देते हैं। ये है वैल्यू का बटन, इसको अगर घुमाएंगे आप तो आपका जो डिस्प्ले पे, आप देखिए डिस्प्ले पे आपके यहाँ पे 00 से 010 तक कुछ भी आएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ऐसे आएगा और आपको करना क्या है, इसका कोई भी इफेक्ट आप हॉल इफेक्ट चाहिए तो ये 00 09 से कोई भी इफेक्ट आप ले सकते हैं। उसके बाद उसका डिके, कितना डिके आप सेटिंग करेंगे, ये बटन उसको इसको आप मूव कराएंगे। और ये एडिट बी जो है डिके के साथ, ये है आपका हाई कट, कोई हाई अगर ज्यादा होता है उसको भी आप कट करिए, ऐसे करके एडजस्ट करके आप उसको डालना है। कैसे करेंगे मैं आपका एक डेमो हम दिखा देंगे। और ये हो गया पूरा प्रीसेट, ऐसे करके आप जो भी चाहिए आपको इफेक्ट उसमें डाल सकते हैं। तो कैसे आप उसको डालेंगे हम देखेंगे, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। इनपुट मतलब देखिए दोस्तों, ये एक इनपुट है, इसमें दो इनपुट है, मैं आपको बता दूं, दो इनपुट मतलब लेफ्ट एंड राइट, ध्यान से सुनिए, लेफ्ट एंड, इसके पीछे साइड पे हम उसको भी दिखाएंगे, पीछे साइड पे लेफ्ट राइट दो है, लेफ्ट यानी मोनो, लेफ्ट मोनो और राइट एक राइट है। अगर उसके बाद ये है मिक्स, मिक्स मतलब आप सपोज इनपुट कहां से लाएंगे, आप मिक्सर से डायरेक्ट यहां पे ला सकते हैं, मिक्सर के आउटपुट को यहां पे इन कर सकते हैं और इसका आउटपुट लेके आप डायरेक्ट अपना एम्पलीफायर भी डाल सकते हैं, या तो बहुत सारे मिक्सर में दोस्तों ऑक्स सेंड ऑक्स रिटर्न का मतलब स्लॉट रहता है, तो उसमें आप इनपुट में क्या करना है, ऑक्स सेंड से एक केबल डाल लेंगे, 6.3 mm वाला जो केबल, नॉर्मल केबल रहता है, वो केबल से लेके इनपुट में लेफ्ट मोनो में डाल देंगे। सपोज आप एक ही केबल ला रहे हैं, मतलब आप याद रखिए लेफ्ट मोनो में डालना है और इसका आउटपुट जो निकलेगा दो निकलेगा, लेफ्ट एंड राइट। तो आप अगर सिंगल ले सकते तो लेफ्ट से लीजिए आउटपुट, अगर आपको डबल चाहिए तो दो ओयर आउटपुट के पीछे से आप लेके
डाट आपके मिक्सर में भी डाल सकते हैं और आपके एम्पलीफायर में डाट फीड कर सकते हैं इफेक्ट के साथ, अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो। मिक्स मतलब क्या है, आप इनपुट किया और यहाँ पे जो भी सेटिंग आपने किया वहाँ पे, यहाँ पे जो भी सेटिंग आपने किया, जो भी डिस्प्ले पे दिखाया, वो इफेक्ट उसमें ऐड हो जाएगा। हॉल इफेक्ट डाला, जो भी इफेक्ट आप डाले वो ऐड होके आपको आउटपुट में सुनाई देगा। तो ये है इफेक्ट मिक्स। उसका आउटपुट मतलब, आउटपुट के बारे में हमने बताया कि आप आउटपुट का वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते। इनपुट का वॉल्यूम हमेशा ए बटन के बारे में थोड़ा बताते हैं। यहाँ पे एक क्लिप मीटर है, इनपुट लेफ्ट एंड राइट, ये है लेफ्ट बार, ये राइट बार। तो लेफ्ट बार में इनपुट में सपोज आप चाहे तो दो इनपुट दे सकते हैं, या तो चाहे एक देंगे तो याद रखिए, अगर एक दे रहे हैं मतलब लेफ्ट मोनो में देना है, राइट में नहीं देना है। और आउटपुट जो निकलेगा वो स्टेरियो निकलेगा, ऐसा इसका इनबिल्ट सेटिंग ऐसा ही है इसके अंदर। अगर आपको सिंगल देना है मतलब लेफ्ट मोनो में देना है, अगर आपको डबल देना है तो लेफ्ट राइट दोनों में दीजिए, आउटपुट भी लेफ्ट राइट में लीजिए। और यहाँ पे याद रखिए, इसको -6 से ज्यादा नहीं लेना है, इनपुट जो वॉल्यूम है इसको -6 से ज्यादा नहीं लेना है, क्लिप कर गया तो आपका डिस्टॉर्शन आ जाएगा। इसको याद रखें, इसको मैक्सिमम -6 तक इनपुट को रखिए। आउटपुट तो आउटपुट आपके हिसाब से उसको एडजस्ट करिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो 00 से 99 तक ये प्रीसेट है, मतलब वो उसके साथ आया हुआ है, मतलब ये जो इफेक्ट्स है, हॉल इफेक्ट, ये इफेक्ट सब इसके साथ है, ये है 99 तक। और बाकी अगर इसमें से आप कुछ किसी को यूज करना है तो बस कुछ नहीं करना नहीं, आप इसको वैल्यू बटन घुमाइए। हम लोग इसका सारा चीज चेंज करके थोड़ा एडिट करते, एक देख लेते हैं। देखिए जैसे एडिट टू बी को हम एडजस्ट कर रहे हैं और देखिए अपना म्यूजिक चेंज हो रहा है। अभी बैक पैनल पर हम देखिए, ये इसका पावर इनपुट है, उसके बाद आपके फुट स्विच है जो कि आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं फुट स्विच के साथ, ये वाला फुट स्विच है। उसके बाद आप देख सकते हैं दो मीडी, उसके बाद दो मीडी सेक्शन है, आप बाहर से कोई इंस्ट्रूमेंट डाल के भी मीडी इंस्ट्रूमेंट उसका भी कंट्रोल कर सकते हैं डायरेक्टली। और ये दोनों जो है इनपुट है, लेफ्ट मोनो और लेफ्ट एंड मोनो एंड राइट, ये है आउटपुट, लेफ्ट राइट आउटपुट है। तो ऐसा करके आपका पूरा सेक्शन है। अभी चलिए हम लोग देखते हैं कि हम चलाएंगे एक एक पैच और कैसे साउंड आ रहा है, थोड़ा आपको एक दो डेमो हम दिखा देते हैं जो कि प्रीसेट वाला। तो चलिए अभी 00 पे हमने शुरू किया है, चलिए शुरू करते हैं। और वॉल्यूम मिक्स थोड़ा बढ़ाया, बढ़ा रहे हैं हम लोग थोड़ा मिक्स। घुमाएंगे तो डिस्प्ले पे आपका नंबर, जो नंबर आएगा वो नंबर, जो भी आपका इनपुट आ रहा होगा उसका इफेक्ट आपको, इनपुट आ रहा होगा उसका इफेक्ट आउटपुट में जाएगा। आप आउटपुट में अपना एम्पलीफायर को डाल दे सकते हैं या मिक्सर को देके फिर मिक्सर से एम्पलीफायर, उसका वीडियो हमने दिखाया है तो वो भी थोड़ा बहुत हम दिखा देंगे। ये गया आपको करना, सपोज मैं आपको एक चीज बता दूं क्या करना, ये जो चारों बटन है आपको, तीन बटन, सपोज आपको 100 से 199 है यूजर, यूजर मतलब आप खुद अपना सेट कर सकते हैं। सपोज आप कुछ एक वोकल, आपका वोकल है, आप एक सिंगर को जानते हैं कि हाँ ये सिंगर, या आप खुद का ले लीजिए आपका वॉयस, आप इसको एडजस्ट किया, सबका एडजस्ट किया, जितने भी चीज है वो सबको आपने एडजस्ट किया, ये जो भाल फाल में दिखा रहा हूँ आपको ये सारा चीज आपने एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद आपका इनपुट में आपका वोकल हो या जो भी हो, आपने देखा कि हम इसको एडजस्ट करके हमारा एक वॉयस पे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि सेटिंग फिर हमने मिक्स बढ़ाया, एडिट ए बी को थोड़ा बहुत एडजस्ट किया, करने के बाद हमको लगा कि भाई ये वाला मतलब वॉयस अच्छा है, इसको फ्यूचर में भी यूज करेंगे, मेरा वॉयस इस सेटिंग में अच्छा है, तो हम क्या करेंगे उधर बैंक कर देंगे, बैंक को दबाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, जो सीरियल सपोज यहाँ पे आपका सीरियल चल रहा है 935 तो वो इधर का आ जाएगा तो 135 हो जाएगा, है ना। उसके बाद उसको स्टोर कर दीजिए, मतलब अगर यहाँ पे 35 आप प्रीसेट पे है, अगर आप बैंक दबाते हैं और आपका सेटिंग करते हैं और उसे स्टोर कर देते हैं, मतलब वो 135 में स्टोर होगा, और बाद में आप अगर आप चाहे तो फिर से 135 पर और एक लोड कर सकते हैं, बाद में वो पिछले वाला डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो आप एडिट करके वहां पे भी स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह आप 100 प्रीसेट से यूज कर सकते हैं या अपना खुद का और 100 यूजर प्रीसेट बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। यूज करने का तरीका बहुत आसान है, ये वैल्यू को जितना भी आप घुमाएंगे
तो ऑटोमेटिक वो वैल्यू आपका आगे आगे घुमाएंगे, मतलब ये 99 से आगे चलेगा, या पीछे घुमाएंगे तो 199 से नीचे आएगा। यही है इसका फंडा, बहुत ही सिंपल है। चलिए हम उसको थोड़ा दिखा देते कैसे इसका कनेक्शन करेंगे, उसका कनेक्शन में थोड़ा। तो चलिए दोस्तों, इसका कनेक्शन जो है, जैसे कि हम बताए थे, इनपुट है और आउटपुट है। तो आपने, जैसे कि हमने पहले से बता रखा कि आपने उसको पावर दिया और उसमें आप फुट स्विच अगर रखना है तो रख सकते हैं, उसको सब छोड़िए, मीडी रख सकते हैं, लेकिन मेन जो चीज़ है उसका है इनपुट एंड सेकेंड चीज जो है आउटपुट। तो इनपुट सेक्शन हम देखेंगे कैसे आप इनपुट दे सकते हैं। आप देखेंगे कि हर मिक्सर में आपके पास ऐसे प्रोसेसर के लिए एक जगह रहता है जहां से आप ऑक्स सेंड कर सकते हैं और रिटर्न ला सकते हैं। अगर आप 20 में से ले रहे हैं मिक्सर के, तो वहां से अगर सपोज एक चैनल से मिक्सर के ले रहे हैं, पहला चैनल से, तो वहां से आप ऑक्स सेंड का एक मोनो हो सकता है, स्टेरियो हो सकता है। अगर सपोज आप मोनो ले रहे हैं, मोनो का एक 6.3 mm का कॉर्ड डालिए और वहां से लेके आपके जो ये जो हमारा एलसेस माइक्रोवेव की इनपुट में डालना है। याद रखिए दोस्तों, जो लेफ्ट चैनल, दो चैनल है आपका इनपुट में, लेफ्ट है और राइट है, दो चैनल है। अगर आप मोनो ले रहे हैं, हमेशा याद रखिए उसको लेफ्ट मोनो में भरना है। लेफ्ट मोनो में भरेंगे तो देखिए, ये लेफ्ट मोनो में अगर कोई आप इनपुट देते हैं तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शॉर्ट दिखा के और आउटपुट में वो दो लेफ्ट राइट करके स्टेरियो देगा। गलती से आपको करना राइट में नहीं डालना है। अगर सिंगल मोनो डाल रहे तो राइट में डालने से आपको ये सिग्नल लेफ्ट राइट आएगा नहीं, अनबैलेंस आएगा। तो अगर आपको मोनो डालना है तो एक में डालिए, ये एक चीज गया। दूसरा, अगर आप दो यार्स ला रहे हैं वहां से, दो मोनो ला रहे हैं, तो दो मोनो को आप यहाँ पे लेफ्ट में एक राइट में, तो शॉर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, डाल दिया तो लेफ्ट राइट ऐसे देंगे।